गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें हमने जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा के बारे में पढ़ा। फिर हमने जैव प्रौद्योगिकी के जो दो मेन स्टेप थे, आनुवांशिक अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी, उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। सिंपली मैं आपको बता दूं कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, अगर आप भूल गए हैं तो। अपने माइंड को थोड़ा सा खोल के रखें कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी में हमने एक परिभाषा दी थी कि विभिन्न जैविक कारक, जैसे सूक्ष्म जीव हुए, पादप कोशिकाएं हुई, जंतु कोशिकाएं हुई, एवं उनके अवयवों का उत्पादन करके उनको मानव के लिए उपयोगी बनाना, वो तो जैव प्रौद्योगिकी कहलाता था। और जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत दो चरण थे जिसमें जैव प्रौद्योगिकी शामिल थी। पहला था आनुवांशिक अभियांत्रिकी, दूसरा पॉइंट था रासायनिक अभियांत्रिकी। पहले हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभियांत्रिकी के बारे में। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि रासायनिक अभियांत्रिकी क्या है, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ रिवाइज के रूप में। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में क्या होता है कि हम किसी भी कोशिका से, जो एक जीवित जंतु है या यूं कहें किसी भी जीव से, उसकी कोशिका से जीन या डीएनए को निकाल कर, ध्यान से सुनना, कि किसी भी जीव की कोशिका से जीन या डीएनए को निकाल कर उसे काट छाट करके उससे पुनर्योजी डीएनए बनाकर उसे होस्ट सेल में प्रवेश कराकर उसके वांछित लक्षणों को प्राप्त करना आनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहलाता था। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा ही हम जो मैन कोशिका थी जिससे हमने डीएनए या जीन को निकाला था, उसके वांछित लक्षणों को हम दूसरी परपोषी कोशिका में या होस्ट सेल में प्रवेश कराकर उसके लक्षणों को देखते थे। आज हम बात कर रहे हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन की, किस किस के द्वारा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी जो है वो सरल हुई है, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के नतीजे या परीक्षण या यूं कहें लक्षण प्राप्त हुए हैं। तो वो साधनों में पहला था सीमाकारी एंजाइम, जिसके बारे में हमने प्रीवियस कक्षा में पढ़ लिया है। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि सीमाकारी एंजाइम क्या है। ये सीमाकारी एंजाइम्स वो हैं जो डीएनए को उनकी लंबाई के अनुसार काटते हैं। दूसरी आज हम बात करने वाले हैं अन्य एंजाइमों की, जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी साधनों का दूसरा स्टेप या टॉपिक है। अन्य एंजाइमों में होंगे लाइसोजाइम, लाइगेज, क्षारीय फास्फेट और पॉलीमरेज। तो हम बात करने वाले हैं आज अन्य एंजाइमों के बारे में। तो अन्य एंजाइमों में पहला है लाइसोजाइम। स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना कि जो डीएनए है, देखिए हमने किसी सेल से या जीव से कोई डीएनए निकाला, उसको अगर हमें होस्ट सेल में ले जाना है तो उसके लिए हम वाहक डीएनए की आवश्यकता होती है। देखो, एक तो मेन डीएनए हो गया जिसे वांछित डीएनए हम कहेंगे, दूसरा है वाहक डीएनए जो उसे ले जा रहा है किसमें, उस होस्ट सेल में प्रवेश करवाने के लिए। तो देखिए, दो डीएनए हो गए, एक तो वाहक डीएनए, दूसरा वांछित डीएनए। तो ध्यान देना, इन्हें लाइसोजाइम्स को, जो एंजाइम्स हैं अन्य एंजाइमों में पहला है लाइसोजाइम, इनका उपयोग कहाँ किया जाएगा। सिंपली जो जीवाणु हैं, अगर उनसे हमें उनके जीन या डीएनए को निकालना है तो सबसे पहले हमें उनकी कोशिका भित्तियों को नष्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लाइसोजाइम एंजाइमों की आवश्यकता होती है। देखिए कि डीएनए को प्राप्त करने के लिए जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को गलाने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग किया जाता है। सिंपली अन्य एंजाइमों में पहला एंजाइम है लाइसोजाइम, जिसका उपयोग हम कहां करेंगे कि डीएनए को प्राप्त करने के लिए जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को गलाने हेतु लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को गलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम्स का, जिससे उनसे डीएनए प्राप्त कर लिया जाता है। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी पूछ लिया जाता है कि पादपों की कोशिका भित्ति को गलाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो पादपों की कोशिका भित्ति को गलाने के लिए सेलुलोज या पेक्टिनेस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो जाता है दूसरा,
कि कवकों की कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए हमें किस एंजाइम की आवश्यकता होती है, या किस एंजाइम के द्वारा हम कवकों की कोशिका भित्तियों को नष्ट कर सकते हैं जिससे उनसे वांछित डीएनए प्राप्त किया जा सके और उस वांछित डीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश कराकर उसके लक्षणों को देखा जा सके। ध्यान देना कि कवकों की जो कोशिका भित्ति है उसको नष्ट करने के लिए काइटिनेस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीट अगेन कि पादपों की कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए सेलुलोज या पेक्टिनेस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए काइटिनेस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। अन्य एंजाइम में लाइसोजाइम हमने देखा। दूसरे एंजाइम की बात करते हैं, क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम। ये एंजाइम्स क्या करेंगे, जो वृत्ताकार डीएनए हैं उनको सीधा करने के लिए क्षारीय फास्फेटेज एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो वृत्ताकार डीएनए हैं उनको सीधा करने के लिए किन एंजाइमों का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान देना क्षारीय फास्फेटेज एंजाइमों का। ये एंजाइम जो वृत्ताकार डीएनए होते हैं उनको सीधा करने हेतु काम में लिया जाता है। तीसरा एंजाइम है लाइगेज एंजाइम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम है, मैं इसको हिंट कर देता हूं, इंपोर्टेंट। अभी मैंने आपसे बात की थी कि एक वांछित डीएनए है और दूसरा वाहक डीएनए है, इन दोनों को जोड़ने के लिए जिसका उपयोग किया जाएगा वो लाइगेज एंजाइम होगा। रिपीट अगेन कि वांछित डीएनए वाहक डीएनए दोनों को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। और अब क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछ लिया जाता है कि लाइगेज एंजाइम की खोज किसने की थी, तो लाइगेज एंजाइम की खोज मार्टिन गैलेट ने की थी। रिपीट अगेन कि लाइगेज जो एंजाइम है वो मार्टिन गैलेट के द्वारा डिस्कवर एक मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम है जो वांछित डीएनए एंड वेक्टर डीएनए को जोड़ने का कार्य करता है। अगला अन्य एंजाइम है पॉलीमरेज, जो हमने पीसीआर में पढ़ लिया था। पॉलीमरेज क्या है, पॉलीमरेज एक ऐसी श्रृंखला है जिसके द्वारा हम डीएनए की जो पुनर्योजी डीएनए है उसकी अनेकों प्रतियां प्राप्त पॉलीमरेज के द्वारा कर सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हमने पुनर्योजी डीएनए की अनेकों प्रतियां प्राप्त की थी। तो ध्यान देना कि पॉलीमरेज क्या है, इस पॉलीमरेज के द्वारा पुनर्योजी डीएनए की अनेकों प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो हमने आनुवंशिक अभियांत्रिकी के साधनों में पहला सीमाकारी एंजाइम पढ़ा, दूसरा हमने अन्य एंजाइम पढ़ा जिसमें लाइसोजाइम, लाइगेज, क्षारीय फास्फेट व पॉलीमरेज। तीसरी हम बात करते हैं वाहक की, जिसे वेक्टर कहा जाता है। वाहक जिसे वेक्टर कहा जाता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है, तो वाहक, वाहक मींस वेक्टर। अब वेक्टर क्या करेंगे, पहले तो आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि वाहक क्या होते हैं। डीएनए हमने देख लिया, डीएनए हमने किसी सेल से निकाला है या किसी जीव से निकाला है, जबकि ये वाहक क्या होंगे, वही होंगे ये वाहक जो डीएनए है, लेकिन ये वाहक जो होते हैं डीएनए के विशिष्ट खंड होते हैं जो डीएनए को होस्ट सेल तक पहुंचाते हैं। तो देखिए कि वाहक जो है ये विशिष्ट डीएनए खंड होते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाहक क्या होते हैं या वाहक क्या है, तो वाहक एक विशिष्ट डीएनए खंड होते हैं जिनके वांछित डीएनए को, जिनके वांछित डीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश कराया जाता है। ये होस्ट सेल में पहुंचने के बाद प्रतिकृति करते हैं। प्रतिकृति का मतलब हो गया अपनी जैसी प्रतिकृति, मतलब फोटोकॉपी वहां पे बनाते हैं, एक से दो, दो से चार, इस तरीके से अपनी स्टेट को बनाते रहते हैं। और वाहकों के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है, एक वाहक क्या कर रहे हैं, डीएनए को होस्ट सेल में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वहां पर जो डीएनए पहुंचेगा वो प्रतिकृति करेगा, अपने जैसे डीएनए को निर्माण करेगा वहां पर। तो ध्यान देना कि वाहक के रूप में हम किन किन का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लाज्मिड का, कास्मिड का, जीवाणुभोजी का एंड याक का। सिंपली वाहक कौन होंगे, ये विशिष्ट डीएनए खंड होते हैं जिनके वांछित डीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश कराया जाता है और ये होस्ट सेल में पहुंचने के बाद प्रतिकृति करते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये होस्ट सेल क्या है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ होस्ट सेल, होस्ट सेल। तो होस्ट सेल को परपोषी कोशिका कहा जाता है जिसमें हमें डीएनए को स्थानांतरित करना होता है और उसमें उस डीएनए के वांछित लक्षणों को प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि वाहक के क्या क्या गुण होने चाहिए जिससे हमें अच्छे, सुगम और सरल वांछित लक्षण प्राप्त हो सके। तो सिंपली वाहक के हम गुण को देखेंगे, इसी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। तो सिंपली पहला है कि जो वाहक हैं इनका विलायन व शोधन आसानी से हो जाना चाहिए, ये अच्छी तरीके से किसमें विलय हो जाए और इनका शोधन आसानी से
दूसरी कोशिकाओं में हो जाना चाहिए। सेकंड है कि ये होस्ट सेल में अर्थात परपोषी कोशिका में आसानी से स्थानांतरित हो जाएं। तीसरी बात करते हैं कि वाहक के क्या गुण होने चाहिए। ये होस्ट सेल में आसानी से प्रतिकृति बनाने में सक्षम होने चाहिए, अर्थात जैसे ही डीएनए होस्ट सेल में जाएगा तो वहां पर अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम होना चाहिए। चौथी बात करते हैं कि इन वाहकों में क्या होना चाहिए, कैसे गुण होने चाहिए। चौथा गुण है इनमें रिसेप्टर जीन होने चाहिए। रिसेप्टर जीन, रिसेप्टर का मतलब क्या हो गया, रिसेप्टर। ध्यान दीजिएगा कि ये जो वाहक है इनमें रिसेप्टर का गुण होना चाहिए, जिससे आसानी से हमें पता लग सके कि किस डीएनए को हमने रूपांतरित किया है उस होस्ट सेल में, जिससे हम उसका चयन कर सकें। तो इनमें रिसेप्टर जीन होने चाहिए, किनमें, इन वाहकों में, जिससे हमें पता लग जाए कि जिस डीएनए का हमने ट्रांसपोर्ट किया है या स्थानांतरण किया है होस्ट सेल में, हम उसका चयन कर सकें। अगला पॉइंट हम बात करते हैं नोट के रूप में कि कभी कभी इसको जनरली पूछ ही दिया जाता है कि जंतुओं में वाहक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, जंतु कोशिकाएं जो है या जंतुओं में वाहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो जंतुओं में ई कोलाई जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। नोट डाउन कि जंतुओं के अंदर वाहक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो जंतुओं में वाहक के रूप में ई कोलाई जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि पादपों में वाहक के रूप में, पादपों में वाहक के रूप में, वाहक मतलब वांछित डीएनए को वाहक के द्वारा होस्ट सेल में प्रवेश करवाने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पादपों में वाहक के रूप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिएंसियंस के टी प्लाज्मिड का, रिपीट अगेन, पादपों में वाहक के रूप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिएंसियंस के टी प्लाज्मिड का व एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स के आरआई प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, अमूमन पूछ ही लिया जाता है कि पादपों में वाहक के रूप में किनका उपयोग किया जाता है। तो पादपों में वाहक के रूप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिएंसियंस के टी प्लाज्मिड का, जबकि एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स के आरआई प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। अब हम लास्ट बात करने वाले हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी साधनों का। लास्ट चौथा पॉइंट है परपोषी कोशिका, जिसे हम होस्ट सेल कहते हैं। अब ये होस्ट सेल होंगे क्या, तो हमें अब तक पता लग गया होगा कि होस्ट सेल क्या है। होस्ट सेल वो है जिसके अंदर हमने डीएनए को भेजा है और उस डीएनए के वांछित लक्षणों को हमने उस होस्ट सेल में प्राप्त किया है। और डीएनए कौन सा भेजा है हमने, पुनर्योजी डीएनए को हमने उसमें स्थानांतरित किया है। तो देखिए, परपोषी कोशिका क्या होगी, वह कोशिका जिसमें पुनर्योजी डीएनए को प्रवेश कराया जाता है। रिपीट अगेन, वह कोशिका जिसमें पुनर्योजी डीएनए को प्रवेश कराया जाता है परपोषी कोशिका कहलाती है, या होस्ट कोशिका कहा जाता है, या होस्ट सेल इसे कहते हैं। तो आज हमारा आनुवंशिक अभियांत्रिकी के साधन जो थे चार, पहला सीमाकारी एंजाइम्स, दूसरा अन्य एंजाइम्स, तीसरा वाहक, चौथा परपोषी कोशिका, कंप्लीट हो गया।